हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस वाई बी कॉम सेमेस्टर फोर इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। अगर आपने इतने अच्छे क्वेश्चन अच्छी तरीके से रेडी कर दे तो आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले, इट इज माय गारंटी। तो चलते हैं, हमें कौन कौन से यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करने चाहिए जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर खड़ा कर सकें। तो सबसे पहले बात करूंगा यूनिट नंबर वन की। यूनिट नंबर वन में से आपको क्वेश्चन रेडी करना है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मेरे पास एक इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती मीडियम में भी सेम यही नंबर पर यही पॉइंट दिए होंगे, आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप भी समझ सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे क्वेश्चन दिए, जाहिरात के बारे में दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र दोनों साथ में आएंगे, इसलिए आपको दोनों को साथ में रेडी करना है, राइट। और उसके बाद आपको क्वेश्चन रेडी करना चाहिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, जिसे हमेशा कहता हूँ सिमिलर एंड डिसिमिलर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, दैट मीन जाहिरात और खानगी। मोस्ट आईएमपी सम है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आपको याद करना है। और उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन रेडी करना है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, यानी कि जाहिरात और खानगी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे आपको तीन क्वेश्चन दिए, तीनों की तीनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उससे पहले कंट्री की क्या सिचुएशन आप सभी लोग जानते हैं, तो हम सभी लोगों को अवेयर रहना है, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है और सभी को अवेयर करते रहना, बिकॉज वी आर इंडियन, क्योंकि आपको आपके अलावा अच्छी तरीके से कोई नहीं समझता है। सो टेक केयर योर सेल्फ, राइट। और उसके बाद हमें यूनिट नंबर टू में से कौन से क्वेश्चंस रेडी करने चाहिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, आपको एक क्वेश्चन ये रेडी करना है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंस, यानी कि कार्यक्षेत्र और उद्देश्य। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन रेडी करना है कॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी जाहिरात के ऊपर जो भी अधिक का फायदा पड़ता है, दैट मीन जो इंक्रीजिंग होता है, वधारणा जो है, उसका हमारे ऊपर क्या कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है, एक क्वेश्चन आपको वो रेडी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री इफेक्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर इफेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन साथ में आएंगे। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको एक क्वेश्चन ये रेडी कर लेना। आई होप आप समझ गए यूनिट नंबर टू में से हमें कौन कौन से क्वेश्चन रेडी करने चाहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से रेडी कर दिए, प्रिपेयर कर लिए, 100% गारंटी के साथ कहता हूं नेक्स्ट ईयर आपका फाइनल ईयर है, आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट में काफी अच्छे से मार्क्स लेकर फाइनल ईयर में एंट्री करेंगे। चलते हैं यूनिट नंबर थ्री के पास। यूनिट नंबर थ्री में से मैं कौन कौन से क्वेश्चंस रेडी करने चाहिए, काफी कम आईएमपी दे रहा हूं, बट इसमें से कम आईएमपी मत करना कि सर इसमें भी कम कर दीजिए, नहीं। अगर आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस रेडी कर दिए, डैम श्योर के साथ कहता हूं आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, राइट। एक क्वेश्चन आपको रेडी करना है, फर्स्ट क्वेश्चन टैक्स लिखा हो, गुजराती में सेम यही क्वेश्चन यही नंबर पे मिलेगा। मीनिंग फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, जिसे हम गुजराती में कहते हैं वर्गीकरण, एक क्वेश्चन आपको ये रेडी करना चाहिए। और उससे पहले अगर आप लेक्चर पहली बार आए हैं तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में से शेयर कीजिए, बिकॉज आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री मोस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज अप चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑनलाइन के द्वारा सभी तक एजुकेशन पहुँचा रहे हैं और आप घर बैठे भी बेनिफिट ले सकें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, तो आपका इसका प्रॉफिट लेना चाहिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर करना चाहिए, जिससे वो लोग भी घर बैठे प्रॉफिट ले सके, राइट। और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर टू रेडी करना है, रोल ऑफ टैक्सेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आपको क्वेश्चन रेडी कर लेना 100% सियोरिटी के साथ, एक क्वेश्चन आईएमपी रहेगा। और उसके बाद आपको रेडी करना है वेरी मोस्ट आईएमपी, जितने भी डिफरेंस बता रहा हूँ वो सभी के सभी आईएमपी, कोई भी एक या दो डिफरेंस तो 100% डैम श्योर के साथ आने वाले। डिफरेंस बिटवीन टैक्सेशन एंड डेब्ट, और उसके बाद इकोनॉमिक्स इफेक्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, और लास्ट में क्वेश्चन रेडी करना है डेफिसिट फाइनेंस मीनिंग नेसेसरी एंड इफेक्ट, एक क्वेश्चन आपको ये रेडी कर लेना है। और लास्ट में डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, आई होप आप समझ गए यूनिट नंबर थ्री में से हमें कौन से क्वेश्चन रेडी करने चाहिए। एंड लास्ट वन चलते यूनिट नंबर फोर, इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट आईएमपी यूनिट, आपको इसे भी अच्छी तरीके से रेडी करना है। ज़्यादा आईएमपी नहीं, मिनिमम आईएमपी, आप मिनिमम आईएमपी के द्वारा भी एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया अपने पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम गुजराती में कहते हैं प्रत्यक्ष करवीरा, राइट। इसे यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वर्ड भी लिखा हो सकते हैं, यानी कि फायदा और गैर फायदा दोनों की मीनिंग सेम रहेगी। उसके बाद आपको रेडी करना है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि परोक्ष करवीरा, इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे भी आपको अच्छी तरीके से रेडी करना है। एंड डैम श्योर आपकी एग्जाम को पता ही कौन सी डेट आने वाली है, तब तक आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपको रेडी करना है यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, दैट मीन्स उत्पादन पे इसकी क्या असर पड़ने वाली, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे मैं हमेशा 100% आईएमपी क्वेश्चन कहता हूँ, तो अभी फिर से 100% लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, जिससे आप इसे और बेटर तरीके से रेडी करें, राइट। और उसके बाद आपको रेडी करना है इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगी, इट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगर आपने इतने अच्छे क्वेश्चन रेडी कर दिए, इट इज वेरी इनफ फॉर मैक्सिमम मार्क्स। और उसके बाद जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको पूरी बुक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, वन लाइन के जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए, आपको बुक की हेल्प के द्वारा सभी के सभी रीड करना है। तो आई होप आप समझ गए मैंने यहाँ पे कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन दिए हैं, आप इसका बेनिफिट लेके एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं।